अरुणाचल प्रदेश के जयरामपुर में आज 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने हेतु बाइक रैली निकाली गई। धीमी गति, सर पे हेलमेट पहन, परिवहन विभाग के नीति नियमों के अनुसार वाहन चलाने हेतु यह अभिनव प्रयास किया गया। इस मौके पर 20 से 22 जनवरी तक आयोजित होने वाले पांगसू पास फेस्टिवल में आने वाले पर्यटकों से भी परिवहन विभाग के नीति नियमों को मानने का आह्वान किया गया। इस रैली में पुलिस के आला अधिकारी के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी तथा स्थानीय विधायक लिसाम सीमाई भी उपस्थित थे। यहाँ पे बाकी जो प्रतियोगिता जो मोटरसाइकिल राइडर थी, आज ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है अरुणाचल प्रदेश पुलिस का द्वारा। ये 31st रोड सेफ्टी वीक जो सारा इंडिया में चल रहा है और ये 11 तारीख से 17 तारीख तक चल रहा है और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हर पुलिस स्टेशन में चल रहा है और जयरामपुर में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज ये मकसद है कि हम रास्ता में जाएंगे और प्रॉपर तरीका से जो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम जाएंगे। यहाँ से जाकर अब तेरित नगर तक, उसमें एक टूरिस्ट लॉज है, उधर तक सब पहुंचेंगे और उधर में कुछ लाइट रिप्लेसमेंट रखा हुआ है और इसी दौरान रास्ता में जब जाएंगे आप दो दो करके कपूर्स में जाना है दो दो और उस साइड से अपोजिट साइड से गाड़ी आएंगी, उसको रुकाना नहीं, उसको जाने देना है और प्रॉपर आपके पास बाइक का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर बाइक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए आपका पास और ट्रिपल राइडिंग नहीं होगा। आज रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ में जयरामपुर सब डिवीजन में। हमारे साथ एसपी साहब, एडीसी साहब भी ज्वाइन किए एंड बहुत सारे वॉलंटियर्स ने आज भाग लिया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। खास करके ये रोड सेफ्टी वीक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है सिविलियंस को और हमारे जितने भी सिटीजन्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है आज कि हमको कहीं में भी आप ड्राइव करो सेफ्टी फर्स्ट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बचाना है क्योंकि इंसान का ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य होता है। और आजकल जो ड्राइविंग हमारे यंगस्टर्स लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, उसको अवॉइड करना है। प्रश्नजीत घोष, पीक न्यूज़, दुमदुमा।